हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पटेल आप सभी का मेरे चैनल विक्ट्री विद पटेल में स्वागत करता हूं। हमने अपने लास्ट क्लासेस में देखा था छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियों के साथ साथ अन्य जनजातियों के बारे में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के जनजातियों में उराव जनजाति, बिंझवार जनजाति और कंवर जनजाति की अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उराव जनजाति, उराव जनजाति। उराव जनजाति का छत्तीसगढ़ में हम लोग अगर निवास स्थान देखें, प्रमुख रूप से निवास देखें प्रमुख रूप से, तो उराव जनजाति छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में बलरामपुर, अंबिकापुर, जसपुर, इन जिलों में प्रमुख रूप से निवास करते हैं। उराव जनजाति सरगुजा संभाग में बलरामपुर जिला, अंबिकापुर जिला और जसपुर जिला में निवास करती है। उराव जनजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजातियां हैं उनमें सर्वाधिक शिक्षित जनजाति उराव जनजाति है। साथ ही उराव जनजाति का छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण भी सबसे अधिक हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ की समस्त जनजातियों में देखें तो उराव जनजाति का धर्मांतरण सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में हुआ है। उराव जनजाति के युवा गृह को धुमकुरिया कहते हैं। उराव जनजाति के धुमकुरिया युवा गृह में जो सदस्य हैं उनको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला वर्ग समूह में 13 वर्ष से कम उम्र के सदस्य रहते हैं। साथ ही दूसरे समूह में 13 से 18 वर्ष के समूह के सदस्य रहते हैं। उसी तरह ही तीसरा समूह में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य होते हैं, जिनमें से 13 वर्ष के सदस्यों को पूना जोरवार 13 से 18 वर्ष के सदस्यों को मथजूरिया जोरवार और 18 वर्ष से अधिक सदस्य समूह को हम लोग धांगर कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि उराव जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया कहलाता है। साथ ही उराव जनजाति के धुमकुरिया में जो सदस्य हैं वो तीन वर्ग में विभाजित हैं, जिसमें से पहला वर्ग 13 वर्ष से कम उम्र के सदस्य हैं, जिन्हें हम पूना जोरवार, दूसरे वर्ग में 13 से 18 वर्ष के सदस्य जिनको हम लोग मथजूरिया जोरवार, और तीसरा 18 वर्ष से अधिक के सदस्य रहते हैं 18 वर्ष से, उसे हम लोग धांगर कहते हैं। और धुमकुरिया युवा गृह के प्रमुख को हम लोग धांगर महतो कहते हैं। उसी तरह हमने देखा कि उराव जनजाति के युवा गृह को हम लोग धुमकुरिया के नाम से जानते हैं। साथ ही धुमकुरिया युवा गृह के पुरुष प्रमुख को हम लोग धांगर महतो और महिला प्रमुख को हम लोग बारकिन धांगरिन के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम लोग
हमने देखा छत्तीसगढ़ की जनजातियों में उराव जनजाति का प्रमुख निवास स्थान सरगुजा संभाग में प्रमुख रूप से है, सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, सर्वाधिक धर्मांतरण भी उराव जनजाति का हुआ है। इनके युवागिरी को धुमकुरिया कहते हैं और हमने धुमकुरिया युवागिरी के बारे में डिटेल में जाना। आइए आगे और देखते हैं। उराव जनजाति की बात करें तो इनका पारंपरिक पोशाक करेया है। इनके पारंपरिक पोशाक को करेया कहते हैं। उराव जनजाति की संपर्क बोली कुरुक है। उराव जनजाति अपने आप को कुरुक जनजाति भी कहती है। उराव जनजाति का पेय पदार्थ है, उराव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ बात करें तो कोसमा है। साथ ही उराव जनजाति ठंडिया भी पीती है, साथ में इनका पेय पदार्थ हंडिया भी है। हमने छत्तीसगढ़ की जनजातियों में देखा था, विशेष पिछड़ी जनजातियों में, कि हंडिया पहाड़ी कोरवा जनजाति का भी प्रमुख पेय पदार्थ है। उराव जनजाति के गांव प्रमुख को मांझी कहते हैं। उराव जनजाति गोत्र प्रधान जनजाति है, जिनमें से मींज, लकड़ा, तिग्गा इनकी पारंपरिक गोत्र है। अगर बात करें उराव जनजाति, अगर मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूं तो इनका पारंपरिक पोशाक करेया है, संपर्क बोली कुरुक है, पेय पदार्थ कोसमा या हांडिया भी लोग पीते हैं, गांव प्रमुख को हम लोग मांझी के नाम से जानते हैं, उराव जनजाति गोत्र प्रधान जनजाति है जिनमें से मींज, लकड़ा, तिग्गा इनकी प्रमुख जनजाति है। उराव जनजाति के प्रमुख देवता देखें तो उराव जनजाति सरना देवी की पूजा करते हैं। ये अपने पूजा स्थल को बगिया कहते हैं, पूजा स्थल को बगिया के नाम से जानते हैं। उराव जनजाति का प्रमुख नृत्य देखें, तो इनका प्रमुख नृत्य सरहुल है। साथ ही इन लोग कर्मा नृत्य भी करते हैं। उराव जनजाति में जो इनकी प्रमुख देवता है सरना देवी साल वृक्ष में निवास करती हैं और इसी चैत्र माह में फूल लगने के उत्सव में ही उराव जनजाति सरहुल नृत्य करती हैं। इस तरह से हमने देखा कि इनका प्रमुख नृत्य सरहुल, साथ में कर्मा नृत्य भी करते हैं, साल वृक्ष में इनका सरना देवी निवास करती हैं और इसी साल वृक्ष में फूल लगने के उपलक्ष में सरहुल नृत्य करते हैं। अगर इनका पर्व की बात करें तो प्रमुख पर्व इनका सरहुल भी है, खट्टी, फाग व सरहुल पर्व भी मनाते हैं। इस तरह से हमने देखा उराव जनजाति। अगर आपको मैं पुनः शुरू से जोड़ने की कोशिश करूं तो छत्तीसगढ़ में उराव जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों में से एक है, जिनका प्रमुख निवास स्थान सरगुजा संभाग में अंबिकापुर, बलरामपुर, जसपुर इलाके में पाए जाते हैं। उराव जनजाति का पारंपरिक पोशाक करेया है, संपर्क बोली कुरुक है, पेय पदार्थ कोसमा है,
गांव प्रमुख को मांझी कहते हैं। उराव जनजाति गोत्र प्रधान जनजाति है जिनमें से मिंज लकड़ा और तिग्गा इनकी प्रमुख जनजाति है, गोत्र प्रधान सॉरी। इस तरह से हमने उराव जनजाति के बारे में जाना। आगे हम लोग देखेंगे, हमने अभी उराव जनजाति के बारे में जाना, अब हम लोग बिंझवार जनजाति की बात करेंगे। बिंझवार जनजाति छत्तीसगढ़ की जनजातियों में बिंझवार जनजाति का भी प्रमुख स्थान है। अगर बिंझवार जनजाति की बात करें तो विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण ये अपने आप को बिंझवार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख निवास स्थान देखें तो छत्तीसगढ़ में बिंझवार जनजाति रायपुर बलौदा बाजार बिलासपुर महासमुंद इन इलाकों में प्रमुख रूप से इनका निवास स्थान है। बिंझवार जाति का जनजाति चिन्ह बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह तीर है। बिंझवार जनजाति में योग्य वर न मिलने के कारण तीर से विवाह हो जाता है, तीर से विवाह कराते हैं। इस तरह बिंझवार जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। इस तरह से बिंझवार जनजाति में देखें हम लोग तो तीर विवाह प्रचलित है। हमने जाना, अगर आपको मैं अब जोड़ने की कोशिश करूं तो बिंझवार जनजाति विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण अपने आप को बिंझवार कहते हैं। प्रमुख इनका निवास स्थान रायपुर बड़ौदा बाजार और बिलासपुर जिलों में इनका निवास स्थान है। बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह तीर है। योग्य वर नहीं मिलने के कारण तीर से विवाह किया जाता है और तीर विवाह बिंझवार जनजाति में प्रचलित है। हमारे छत्तीसगढ़ के सोना खान के वीर पुत्र के नाम से जाने जाना हो शहीद वीर नारायण सिंह भी इसी बिंझवार जनजाति से हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के हैं, तो छत्तीसगढ़ में सोना खान के वीर पुत्र के नाम से शहीद वीर नारायण सिंह को हम लोग जानते हैं जो कि बिंझवार जनजाति से हैं। अगर बिंझवार जनजाति की बोली देखें तो प्रमुख बोली बिंझवार जनजाति की प्रमुख बोली छत्तीसगढ़ी है। साथ ही बिंझवार जनजाति सबरी बोली का भी प्रयोग करते हैं इस तरह से हमने बिंझवार जनजाति के बारे में जाना। इनके सभागार को हम लोग बिंझवार जनजाति के सभागार को
कोटा सागर के नाम से जानते हैं। इनके सभागार को कोटा सागर के नाम से जानते हैं। बिंझवार जनजाति के सभागार को कोटा सागर के नाम से भी जानते हैं। इस तरह हमने बिंझवार जनजाति के बारे में जाना। अब हम लोग बात करेंगे कंवर जनजाति। कंवर जनजाति, कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ की अन्य जनजातियों में इनका भी एक प्रमुख स्थान है। कंवर जनजाति अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं, इसलिए अपने आप को कंवर कहते हैं, कौरवों का वंशज मानते हैं। कंवर जनजाति का प्रमुख छत्तीसगढ़ में देखें तो इनका प्रमुख निवास स्थान रायगढ़, बिलासपुर, जसपुर है। इनका अगर प्रमुख निवास स्थान देखें कंवर जनजाति का छत्तीसगढ़ में तो रायगढ़, बिलासपुर और जसपुर है। कंवर जनजाति का प्रमुख कार्य देखें तो कंवर जनजाति समाज सेवा को अपना प्रमुख कार्य मानते हैं, देश सेवा को अपना प्रमुख कार्य मानते हैं, देश सेवा को। इसीलिए इनमें प्रमुख कार्य सैन्य कार्य है। सैन्य कार्य को अपना प्रमुख कार्य मानते हैं। कंवर जनजाति की प्रमुख बोली देखें, प्रमुख बोली देखें तो छत्तीसगढ़ी बोली के साथ साथ ही सदरी बोली का प्रयोग करते हैं। सदरी बोली का भी प्रयोग करते हैं। इनका प्रमुख देवता कंवर जनजाति का प्रमुख देवता सगराखंड है। प्रमुख देवता सगराखंड है। कंवर जनजाति का नृत्य देखें तो प्रमुख नृत्य बार नृत्य है। कंवर जनजाति बार नृत्य मनोरंजन के लिए करती है। मनोरंजन के लिए कंवर जनजाति बार नृत्य करती है। अगर कंवर जनजाति का उपजाति देखें, तो तंवर, पैकरा और राठिया है। इस तरह से हमने कंवर जनजाति के बारे में जाना। अगर आपको मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो कंवर जनजाति अपने आप को कौरवों का वंशज मानते हैं। प्रमुख निवास स्थान छत्तीसगढ़ में रायगढ़, बिलासपुर और जसपुर जिले में है। इनका प्रमुख कार्य देश सेवा को अपना प्रमुख कार्य मानते हैं, इसलिए सैन्य कार्य करते हैं। इनकी प्रमुख बोली कंवर जनजाति छत्तीसगढ़ी बोली इनकी प्रमुख है, साथ ही साथ इस सदरी बोली का भी प्रयोग करते हैं। इनका प्रमुख देवता सगराखंड है। नृत्य की बात करें तो कंवर जनजाति का प्रमुख नृत्य बार नृत्य है। और उपजाति देखें तो कंवर जनजाति का तंवर, पैकरा और राठिया उपजाति है। इस तरह से हमने कंवर जनजाति के बारे में जाना। कंवर जनजाति के गोत्र को या टोटम को गोटी के नाम से जानते हैं। गोत्र को कंवर जनजाति के टोटम को हम लोग गोटी के नाम से जानते हैं। टोटम मीन्स गोत्र को गोटी के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में संत गहिरा गुरु भी इसी कंवर जनजाति से हैं। संत गहिरा गुरु छत्तीसगढ़ में कंवर जनजाति से ही हैं। इनके टोटम को हम लोग गोंटी के नाम से जानते हैं।
इस तरह से हमने आज अपने क्लास में जनजातियों में उराव जनजाति, बिंदवार जनजाति और कंवर जनजाति के बारे में जाना। अगर यह प्रयास मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरा जो भी अपडेट हो आप सबको पहले मिले। थैंक यू।